सुबह का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया चाय पीने में। और इधर चढ़ाया है हमने दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि अभी हम मंदिर गए थे, मंदिर में दर्शन करके दिया जला के इसके बाद हम आए। और हॉल में इस टाइम पर कोई नहीं है, जो जहाँ पड़ा है वही, और चल रहा है भजन। और ये लोग अभी हैं सो रहे हैं, क्योंकि छुट्टी है तो थोड़ा लेट हम लोग भी छोड़ देते हैं सोने दो, क्योंकि जैसे ही जून में स्टार्ट होगा स्कूल फिर वो भागा भागी पूरा हो जाएगा। वैसे भी राज को थोड़ा जल्दी ही उठा लेते हैं, कितना भी मतलब सोचते हैं। और यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के सब सूखने के लिए डाल दिए हैं, और पौधों को भी पानी दे दिए हैं। आप देख सकते हैं पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम रंग बिरंगे मस्त दिख रहे हैं, मतलब दिल खुश हो जा रहा है सच्ची में अपने पौधों को देख के ना। क्योंकि इस बार हमने सोचा था ना कि सब फ्लावर्स ऐसे ऐसे पौधे लाएंगे, ना कि शो वाले, क्योंकि हम जितने भी पौधे आज तक लगाए हैं फ्लावर्स के पता नहीं, याद नहीं है, बहुत एक दो ऐसा रहा होगा। ज़्यादातर हम शो के लगाते थे और ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स हम रखते थे। तो अभी इस बार हस्बैंड से हम बोले कि नहीं, हमको ये वाला नहीं, अभी हमको ना सब फ्लावर वाला चाहिए। तो बट मिल भी गया तो अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, प्रतिभा की रियल दुनिया। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह आज हम पहले जाके मंदिर से आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हस्बैंड का काम चालू है, दोनों बच्चे सो रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ चाय, जो कि पहले मैं मंदिर गई इसके बाद आई, फिर घर का भी पूजा था मंदिर का भी था। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स अभी हो गया हम लोगों का सब काम हो गया, ये बच्चे भी स्नान वगैरह करके नाश्ता वगैरह इन लोगों का हो गया। और अभी जाना है हमको डॉक्टर के इधर, क्योंकि लाडू के कान में दर्द हो रहा है, तो उस वजह से हम रेडी हो गए जाने के लिए। और उधर से ही सोचा है कि क्योंकि कुछ महीने से ज़्यादा हो गया दीदी के इधर जाके, सोमू का एग्ज़ाम था, उस वजह से हम नहीं चाहते थे कि मीन्स बच्चे डिस्टर्ब करें, क्योंकि ये छोटे सब हैं तो समझते नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, टाइम हो रहा है 10:15, क्योंकि लाडो के कान में बहुत दर्द हो रहा है कई दिन से। तो दवा एक जन बताए थे, वो दवा डाल रही हूँ लेकिन बहुत आराम नहीं मिल रहा है। तो हम सोचे कि चलो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बहुत ज़रूरी है अपने मन से दवा ज़्यादा नहीं करना। मुझे लगा चलो हल्का फुल्का कुछ रहेगा तो ठीक हो जाएगा, बट वो आराम नहीं हो रहा है और उसके कारण से कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है। तो हम सोचे तो हस्बैंड ऑफिस जाने के टाइम वहाँ पे गए, बात किए तो बोले कि नहीं पहले से अपॉइंटमेंट नहीं, आप डायरेक्ट आओ। तो वहाँ से फिर हम लोग सोचे कि कल हमारा भी क्लास रहेगा, लाडो का भी रहेगा, तो आज हम जाएंगे उधर से दीदी के इधर, क्योंकि छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। छुट्टी होके भी छुट्टी किसी को नहीं है, सबका अपना अपना काम है। तो अभी हम पहले जाएंगे डॉक्टर के इधर, वहां से फिर हम जाएंगे दीदी के इधर। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम सब निकल गए और बस अभी लिफ्ट आ जाएगी, इसके बाद चले जाएंगे फिर नीचे। और फ्रेंड्स जैसे हम लोग नीचे गए और हमारे बिल्डिंग के ठीक बाहर ही जो रोड है वहां से रिक्शा स्टैंड वहीं पे है, मंदिर के बगल में है। लेकिन हम सब जब वहाँ पे पहुँचे तो स्टैंड पे एक भी रिक्शा नहीं, और इसके बाद भी कैसा रनिंग में आते जाते रहते हैं, देख रहे हो तो दोनों साइड से मतलब कहीं से रिक्शा नहीं आ रहा। इतना कड़क धूप कि पूरा दिमाग ख़राब हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा करें क्या। और कुछ दिन से मुझे भी ठीक नहीं है, वो तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो खुद हम ठीक हो जाते हैं और सब करते हैं, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग बहुत टाइम तक वहाँ रुके और इधर उधर कर रहे, रिक्शा आ ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था ना क्या हो रहा है हमारे साथ। इसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए वो बिल्डिंग में, इसमें फर्स्ट फ्लोर पे वो डॉक्टर रहते हैं।
जो कान के डॉक्टर हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर लाडो को दिखाया। हम बहुत डर गए थे कि मतलब कान का दर्द है, पता नहीं ऐसे राज को भी हुआ था, तो राज के कान से पस निकलता था, फिर उसमें ड्रेसिंग हुआ, उसमें बहुत झंझट हुआ। हम सच में बहुत डरे हुए थे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इसको, बट वहाँ जाने के बाद डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, नहाने वाने के टाइम पानी भी नहीं कुछ चला गया होगा, या कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम इसने खाया उस वजह से भी होता है कभी कभी इचिंग, कभी कभी ऐसे होता है। तो इसने नाखून, उन्होंने दिखाया कैमरे में तो नाखून का निशान दिख रहा था, उस वजह से प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लो, ये दवा दे रहा हूँ वो खा के, बस इसको 3 दिन के लिए दवा दे रहा हूँ। तो आ गई मैं मेडिकल स्टोर पे और यहाँ मैं ले रही हूँ दवा, और लाडो यहाँ पे आने के बाद, दिखाने के बाद ही ठीक हो गई। इतने दिन से घर पे जो क्रिएट हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ, और यहाँ से हम लोग निकले तो बोल रहे हैं ना कि पता नहीं क्या ही हो रहा था कि कौन सा घड़ी में हम लोग निकले। हम लोग जाए मेन रोड पे गए तो हम लोग को कैसा ब्रिज चढ़ के फिर वहाँ उस तरफ उतर के फिर ऑटो लेते हैं। वहाँ जब ब्रिज चढ़ने जा रहे हैं हम लोग तो देख रहे हैं कि ये तो ब्रिज लॉक है, बंद किया है, काम चालू है ब्रिज का, हे भगवान, समझ में नहीं आया, और किसी ने बताया नहीं ना, हम किसी से पूछे अभी, मतलब मालूम ही नहीं पड़ा। फिर जो है 3 बार हम लोग इस तरफ से उस तरफ से बार बार प्लेटफार्म पे चले जा रहे हैं, प्लेटफार्म से ब्रिज उस तरफ जाने का रास्ता ही नहीं है, फिर वो रेलवे ट्रैक से जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे जाऊँ। फिर 3 बार घूमते घूमते वापस से आई, और फिर वहीं पे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप अपना पेपर यहीं पे भूल गई हो क्लिनिक में ही, वो फिर दोबारा रास्ते मंगाई। फिर मैं वहाँ से ओला करके, ओला नहीं डायरेक्ट मैंने रिक्शा लिया, फिर मैं पहुँची दीदी के इधर। तो दीदी, हम दोनों गए थे दीदी के बगल वाली बिल्डिंग में, थोड़ा काम था, फिर हम आ गए। तो फ्रेंड्स, अभी हम सब आ गए घर पे दीदी के इधर से। वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हमेशा रिकॉर्ड मीन्स ब्लॉग में आने के लिए, उन लोग थोड़े से मतलब नहीं होता है, जो काम नहीं करता है उसको लगता है। बट हम लोग अभी आ गए घर पे, बहुत तो नहीं हुआ जो भी रिकॉर्ड। और ये आने के बाद एक पार्सल आया था घर पे, तो वो मैंने पहना। एक चीज़ तो मुझे ये पसंद आया, मैंने सामने से देखा था तो मुझे अच्छा लगा, ये प्योर कॉटन है और लूज है, और जैसा मैं पहनती हूँ, मुझे ज़्यादा वो कमीज वाला टॉप नहीं पसंद है, मुझे अम्ब्रेला टाइप जो पैक रहता है वो पसंद है। लेकिन इसमें पीछे का गला एकदम डीप दे दिया है, वो आने के बाद मालूम पड़ रहा है, ये मैंने मीशो से लिया है, अभी वो देखना पड़ेगा। मैंने अभी दीदी को, सोमू को मैंने पिक किसका भेजा है आगे पीछे दोनों से निकाल के, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कैसा है, फिर देखते हैं क्या है।